हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सकिक टैरो थ्री गाइस। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे गाइस। एंड गाइस, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे दूं कि मैंने एक नया चैनल बनाया है 333 टैरोट के नाम से, एंड मैंने उसका लिंक अपने कम्युनिटी टैब के अंदर डाल दिया है, जहाँ पर मैं पोस्ट डालता हूँ आप लोगों के। जो भी आप मुझसे चीज़ें शेयर करते हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो, जहाँ मैं वो पोस्ट डालता हूँ, वहीं पर मैंने उस का पोस्ट भी डाल दिया है अपनी उस वीडियो का जो मैंने उस चैनल पर पोस्ट किया। तो आप वहाँ पर जाकर कम्युनिटी टैब से उस चैनल के पास तक पहुँच सकते हो। ओके, सो कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगा मेरे चैनल 333 टैरो का लिंक। सो अभी तो मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ वो चैनल मैंने इसलिए बनाया गाइस क्योंकि इस चैनल पर काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस चैनल पर। इस वजह से फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चैनल को भी चलाते चलाते दूसरा चैनल बना लूँ, ताकि मैं जल्द ज़्यादा से ज़्यादा रीच आप तक पहुँचा सकूँ अपनी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। एंड गाइज, इट्स अ जनरल रीडिंग। ओके, एंड जाइए और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। ओके, चलिए वी हैव द हैंगमैन एंड वी हैव द डबल वाओ। सो वी हैव पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न। Okay, we have Knight of Swords, Four of Swords, and the Sun. We have King of Swords. Wait. We have Seven of Wands. Okay, we have the World and Ace of Pentacles. Okay, in bottom of the deck we have Two of Swords. सो अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, अगर आप करंटली नो कांटेक्ट में हैं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से नो कांटेक्ट सिचुएशन देख पा रहा हूँ आप दोनों के बीच में, बिकॉज वी हैव फोर ऑफ सोड्स एंड वी हैव टू ऑफ सोड्स। सो गाइस, क्लियरली मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि यस, आपके पार्टनर अभी आपसे नो कॉन्टैक्ट में है एंड इवन इनडिसीजन की सिचुएशन में है। अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में है अभी, तो फिर भी ये पर्सन ना अभी भी सोच रहा है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे जाया जाए या फिर आपसे मूव ऑन कर लिया जाए। मैं यहाँ से ये देख पा रहा हूँ क्योंकि ये पर्सन अभी खुद ही कन्फ्यूज है। इस पर्सन के आसपास क्लैरिटी नहीं है, ये पर्सन अभी खुद कन्फ्यूज है। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ ये पर्सन अपना टाइम दे, आपकी तरफ या फिर कहीं और, जहाँ भी ये पर्सन टाइम दे रहा है, चाहे थर्ड पार्टी में, चाहे अपनी फैमिली में। सो अभी इस पर्सन के दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, और जो कि ये पर्सन चाहता है कि इसके दिमाग में क्लैरिटी आए। और इवन अगर मैं आपकी बात करूँ, तो आपकी इनसे बातचीत नहीं हो रही है, आप इनके लिए काफ़ी फीलिंग्स तो रखते हैं बट आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है। तो डेफिनेटली आप समझ चुके हैं कि सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए, और आप भगवान पर छोड़ कर अब रेस्ट की पोजीशन में हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि चेजिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के बेसिस पर ही होगा। तो इसीलिए आप अभी अपने पर्सन का वेट ना करके शांत हैं और अपने सेल्फ लव पर वर्क कर रहे हैं, अपने पीस पर वर्क कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी चीज़ है सेल्फ लव और पीस। ओके, सो
सो आपने अपने पीस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है और सेल्फ लव पर, ओके. क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि कोई भी सिचुएशन हो, आप उस सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की कोशिश ही करते हो, क्योंकि यहाँ पर द सन है. सो डेफिनेटली आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, ओके. एंड इवन काफ़ी लोगों की सिचुएशन में मैं देख पा रहा हूँ कि इस पर्सन ने ना आपको बहुत वेट कराया है, आपके साथ रिलेशनशिप में रह के भी इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया अभी तक, तो जो कि मैं हैंगमैन से देख पा रहा हूँ. ये पर्सन आपको बार बार डिले पे डिले लाता रहता है चीज़ों में. मे भी बहुत सारे प्लान्स बना के इस पर्सन ने उन प्लान्स को फेल कर दिया हो. मे भी आपके साथ कहीं घूमने की बात हुई हो या आपको अपनी फैमिली से मिलाने की बात हुई हो, बट सडनली उस पर्सन ने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं हो सकता ये सब. सो ये सिचुएशन भी है, बट ये पर्सन काफ़ी अटैच्ड है आपसे, सीक्रेटली काफ़ी सारी चीज़ें अंदर रखे हुए हैं, बता नहीं रहा है आपको या बता नहीं रही हैं आपको, बट यस ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है. ये पर्सन डिटैच होके भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है इस टाइम पर. क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन आपको रातों में तो खूब सोचते हैं, लेटते वक्त आपके बारे में बहुत सोचता है पर्सन या सोचती हैं बहुत ज़्यादा, आपको बहुत याद करते हैं पर्सन. मे भी रात को आपको सपने में भी दिख जाते हों, और उसके हिसाब से आप इनकी सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस सिचुएशन में चल रहे हैं. बट यस आगे चल के मैं कह रहा हूँ ना कि एक पॉजिटिव चेंज तो आ ही रहा है आपकी लाइफ में, द सन, होप, तो आपको होप तो रखनी होगी, फेथ रखना होगा. आगे चल के ये पर्सन मेंटल क्लैरिटी देगा आपको, किंग ऑफ सोर्ड आया है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये क्लैरिटी का कार्ड होता है गाइस. तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी हर्डल्स, जो भी बैरियर्स, जो भी प्रॉब्लम्स इनके रास्ते में आ रही है, उनसे ये लड़ेंगे, डेफिनेटली लड़ेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, स्टैंड ऑन योर, आप स्टैंड लेंगे आपके लिए ग्राउंड पर खड़े होके जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके रास्ते में उनसे लड़ेंगे, क्योंकि आपकी अहमियत को जानते हैं, आपसे प्यार करता है ये पर्सन, डेफिनेटली दिख रहा है मुझे यहाँ से. एंड इवन अभी थोड़ी सी ना कार्मिक साइकिल चल रही है इनकी लाइफ में, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसका भी कंप्लीशन है. एंड इवन मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन भी है, ओके. तो साइकिल कंप्लीट होगी, रिकन्सिलिएशन होगा, एंड ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएगा, आएगा एक ऑफर के साथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक ऑफर लेकर आएगा ये पर्सन आपकी लाइफ में, और ये ऑफर कमिटमेंट भी हो सकती है. पेशेंस के साथ वेट करना, क्योंकि पेशेंस के साथ जब वेट करते हैं तो काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है, कौन खुफिया, ओके. सो चलिए देखते हैं ट्रू लव अराइवल से आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए. वी हैव इंटीमेसी, तो काफ़ी फील तो कर रहा है ये पर्सन आपको बहुत, एंड इवन ये पर्सन चाहता है आपको और फील करना. इंटीमेसी से हमेशा आप एक ही मतलब ना रखिएगा, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं इन दोनों की आंखें कितने पीस में बंद है, और कितना पीस है आसपास, कैंडल्स देख सकते हो, फ्लावर देख सकते हो, और आपको अपनी चेस्ट से उन्होंने लगाया हुआ है, या ये अब यहाँ पर देखिए लड़की है, और ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ओके. जो भी इस रीडिंग को देख रहा है ये आपके लिए है, ओके. सो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को इस तरीके से फील करना चाहते हो, आप चाहते हो अपने पर्सन को फील करना, और ये फील करेंगे आपको. और इवन ये आपको ना रात को, मैं कह रहा हूँ ना, सोने से पहले बहुत फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, तो इंटीमेसी हमेशा एक ही तरीके से नहीं देखा जा सकता इस कार्ड को, यहाँ पर फीलिंग्स की बात हो रही है. तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस टाइम पर, एक दूसरे का हाथ आपने पकड़ा हुआ है, आंखें बंद हैं, कितना डीपली आप एक दूसरे को फील कर रहे हो, वाह. काफी सारी क्लैरिटी मिल गई इंटीमेसी से. ओके, वी हैव द डिस्ट्रॉटेड फैमिनिन. सो अगर अभी आप नेगेटिव एनर्जी में चल रहे हो, आपको लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ गड़बड़ा गया है, प्रॉब्लमेटिक है, कुछ भी ठीक नहीं है, आप अपने शेल में बैठे हुए हो, छुप के हर एक ऑब्स्टिकल से बच के, हर एक प्रॉब्लम से बच के, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी है, किसी से इंटरेक्शन नहीं रखना है, सब कुछ मेरी लाइफ में बेकार चल रहा है, तो आप बहुत गलत सोच के बैठे हो. आपको इस डिस्ट्रॉटेड एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है,
इस डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर आई है, डिवाइन एनर्जी में आई है, बिकॉज डिस्टॉर्टेड रहकर अगर कोई फ़ायदा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, नेगेटिव रहने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव हो जाओ, स्टक मत हो। ओके, बाहर निकलो, स्टकनेस, स्टक में कोई फ़ायदा नहीं है, इनर पीस। सो मैंने कहा ना, इनर पीस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इनर पीस सबसे बेस्ट चीज़ है अभी आपके लिए। अगर आपके अंदर उथल पुथल चल रही है तो अपने इनर को पीस में लाओ। क्रिएटिविटी, तो कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव आप करोगे आगे चल के, या आपके पर्सन की तरफ से आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव आपको मिलता ही रहेगा। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी एंड लव, तो डेफिनेटली आप इनको कदम कदम पर स्पिरिचुअली मेच्योर कर रहे हो, बट अभी आप खुद डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चल रहे हो। सो अभी आपको वो स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है थोड़ी सी। एंड प्यार तो है ही आप दोनों के बीच में, इंटीमेसी मुझे दिखा रही है। सो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की। ओके, सक्सेस, वाह, मेंटल क्लैरिटी आएगी डेफिनेटली, एस ऑफ सोर्ड्स। मेंटल क्लैरिटी तो आपको मिलनी ही मिलनी है गाइस, मिलेगी ही मिलेगी। वी हैव डेस्टिनी, ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में लिखा है, तो आप पेशेंस रखना बस। लाइट आपके लिए, ल्यूमिनोसिटी बहुत अट्रैक्ट कर रही है इस पर्सन को। हार्ट एक एंड लॉस, अभी बहुत ज़्यादा पेन चल रहा होगा लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि सब कुछ एंड हो चुका है, कुछ भी ठीक नहीं है मेरी लाइफ में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सिचुएशन से बाहर आइए, अपनी लाइट को पहचानिए, अपनी रोशनी को पहचानिए, क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी पावर तो है जो आपको हर एक वर्स्ट से वर्स्ट स्टॉर्म वार्निंग टाइम पर हमेशा स्ट्रेंथ बनाकर आपकी आगे लेके जाती है। ओके, सो आपको ज़रूरत है अभी रेस्ट एंड रेजोनेशन की। ओह माय गॉड, यूनिवर्स आपके साथ है, तो अब तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। यूनिवर्स आपका मे बी टेस्ट ले रहे हैं, इसलिए आपको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। चलिए गॉड गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो डेफिनेटली अब ये पर्सन और आप दोनों को ही अपने पेंटिकल्स पर वर्क करने की ज़रूरत है, तो अपने लिए पैसा कमाने की। अगर आप अभी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ जॉब स्टार्ट कीजिए। एंड पेशेंस रखना होगा आपको इस पर्सन के लिए, अगर आप चाहते हो ये आपकी लाइफ में है, पेशेंस रखिए। एनवी, यहाँ पर एनवी आया, तो गाइस डेफिनेटली आपको इस सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आप डिस्टॉर्टेड चल रहे हो, आपके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही है, हार्ट एंड लॉस की सिचुएशन में चल रहे हो, तो एनवी सिचुएशन से बाहर आ जाओ। जेलिसी मत रखो। देखिए कॉर्निकूपिया, जिसकी मैं बात कर रहा था, फ्रूटफुल रिजल्ट, तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट तो मिलना ही है, गॉड का इंडिकेशन आ गया है आपके लिए। ये फ्रूटफुल रिजल्ट कहीं नहीं जाने वाला, आप ही को मिलेगा। एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, डोर टू रोमांस, एक्शन, वाओ। तो देख लीजिए गॉड ने आपको कितनी सारी चीज़ें दिखा दी हैं कि किस्मत के दरवाजे आपके खुलने वाले हैं, डोर टू रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है, डोर टू रोमांस भी खुल जाएगा, आपकी लाइफ में रोमांस भी आ जाएगा, एंड आपके पर्सन की तरफ से आपको एक्शन भी मिल जाएगा। सो गाइज डेफिनेटली काफ़ी खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है, ये करंट फीलिंग्स तो बहुत ही अच्छी आई हैं। एंड गाइज ये थी आपकी आज की रीडिंग, एंड मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, आप मेरी वीडियो का लिंक कम्युनिटी टैब पर जाकर देख सकते हो। एंड जल्द ही मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ उस चैनल पर, तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ऐसे ही साथ बनाए रखिए, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय गाइज़।